नमस्कार, मैं हूँ आरती परब, एए प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। रविशंकर प्रसाद ने ट्रोल होने के बाद बयान वापस लिया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सही नहीं पर बीते कुछ वर्षों से बेहतर। गिरफ्तार सिमी आतंकी से पूछताछ करेगी एनआईए। प्रियंका की रायबरेली में होने वाली कार्यशाला टली। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड संपत्तियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। मोदी की भतीजी से चपटमारी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर, आगे बढ़ने की संभावना। लहसुन की महंगाई ने बिगड़ा भोजन का स्वाद, 300 रुपए किलो हुआ भाव। घर में लगातार 11वीं सीरीज जीत के साथ भारत ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। भारत में गोवन फुटबॉल की नई पहचान बने गॉड्स। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म सनराइज की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस मामले में वारंट जारी। गिरिराज सिंह ने खुद पर बनने वाली फिल्म से दूरी बनाई। मोदी के इंस्टाग्राम पर हुए 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स। प्रियंका ने अर्थव्यवस्था पर रविशंकर प्रसाद की टिप्पणी की निंदा की।